पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद में एक बिलखती माँ महिला थाने के सामने दोपहर से अपनी नाबालिग बेटी की बरामदगी के लिए खाना पानी छोड़कर बीच चौराहे पर बैठी है। पीड़ित माँ ने महिला थाने की पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने नाबालिग बेटी को महिला थाने पर गायब करने का आरोप लगाया। कड़कड़ाती ठंड के बीच चौराहे पर बैठी माँ को समझाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला लगा रहा, लेकिन महिला धरने से उठने को तैयार नहीं, बल्कि बेटी के ना मिलने पर आत्मदाह की चेतावनी दे डाली है। हालांकि प्रशासन 10 घंटे बाद महिला को समझाने में कामयाब हो गया और उसका धरना समाप्त करा दिया। दरअसल मामला जनपद मुरादाबाद के दो थानों से जुड़ा है। 9 दिन पहले धरने पर बैठी मां की नाबालिग बेटी समोसे लेने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद घर वापस नहीं पहुंची। महिला ने थाने में बेटी की गुमशुदगी भी दर्ज कराई। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए कहा कि एक दिन बाद महिला थाने से पीड़ित के मोबाइल पर फोन आया कि उसकी बेटी महिला थाने में है। महिला ने अपने भाई को महिला थाने भी भेज दिया, लेकिन नाबालिग बच्ची को उसके भाई को नहीं सौंपा गया और नाबालिग की माँ को महिला थाने के लिए बुलाया गया। जब तक महिला थाने पीड़ित माँ पहुंची, तब तक लड़की थाने से गायब थी। मैं अपनी लड़की चाहिए, आज के दिन मैंने लड़की देखी थी और मेरी लड़की इन्होंने दी नहीं, मुझे बहाने से इधर भेज दिया, थाने भेज दिया। उसके बाद मैं आई, मेरी लड़की कह रही यहाँ पे नहीं है। उसके बाद नहीं है तो मेरी लड़की ने कंप्लेंट भी कर दी। अभी तो कह रही नहीं है लड़की, तो कंप्लेंट क्यों ना कर दी? अब कंप्लेंट दिख रही है, है? मेरी लड़की इन्होंने मेरे थाने वाले नहीं दिए और मेरी लड़की संडे से गायब हो गई थी, समोसे लेने गई थी, पूरी रात ढूंढा, उसके बाद कंप्लेंट कर दी मैंने गुमशुदा की, वहाँ पे वायरल कर दी मेरे फोटो लड़की के, और सुबह को मिल जाती है, मेरी बात कराई जाती है लड़की से। मैं उस लड़की को बैठी हुई देखती हूँ, मैं मिलने नहीं देती हैं, मुझे वहाँ पे भेज देती हैं। मेरे भैया से कहती हैं गाड़ी वहाँ खड़ी कर दो, और तुम्हारी लड़की थाने पहुँच गई। थाने के पास जाती हैं, उससे साहब वो कॉल करते हैं यहाँ लड़की नहीं आई है, फिर कहती हैं हमें नहीं पता, मेरी लड़की गायब कर दी। मेला थाने से आज के दिन, और आज के दिन ही मैंने धरना दिया। 9 दिन से मैंने खाना नहीं खाया है, आज मैंने पानी भी छोड़ दिया। वो बच्ची के गुमशुदा होने की शिकायत उसकी मां कर रही है। उनका ये कहना था कि वो महिला थाने में आई थी और वो FIR की अपने मां के विरुद्ध ही उसने FIR की कॉपी दी। महिला एसओ ने उनसे बात करवाई, उनकी मां से बात करवाई, और उसके बाद से वो लड़की गायब है। तो उसी को लेकर के ये लोग एक्शन पे बैठे हैं कि उस लड़की को खोजा जाए। सर, महिला का आरोप है कि अगर वो महिला थाने आई थी तो उसको रोक, और हमको फोन किया गया तो हमें क्यों तब तक, जब तक हम नहीं आए तब तक क्यों नहीं रोका गया, और आने के बाद उसको क्यों नहीं पुलिस वालों ने मिलवाया? उस पर बातचीत चल रही है, निश्चित तौर पर ये थोड़ी सी हुआ है, अब इसको लेकर के हम लोग बातचीत कर रहे हैं, देखते हैं। अभी तो फिलहाल लड़की को खोजने को हम पहली प्रायोरिटी दे रहे हैं कि लड़की कहाँ गई, उसको हम TV वगैरह जो आसपास लगे हुए उनको उसको उससे खोजने की कोशिश कर रहे हैं। तभी लड़की को खोजना पहली प्रायोरिटी है हमारी। परिवार सामने बैठा हूँ, क्या कह रहा है, घर जाने के लिए तैयार हुआ है नहीं हुआ? अभी तक नहीं तैयार हुआ है। इसकी बच्ची गायब है और उसकी एक तहरीर कटघर थाने में लिखी हुई है, उसी को लेके ये महिलाएं बैठी थी। इसको समझा बुझा कर अभी घर भेजा गया है और उसकी बरामदगी के लिए हमारी टीम में लगी हुई है, जल्दी उसकी बरामदगी की जाएगी। काफी देर के बाद गई है वो आपके द्वारा? हाँ, उसके द्वारा कहा जा रहा था, क्योंकि वो लड़की मेरा थाने पर आई थी एक बार और यहाँ एक तहरीर दे के गई थी, वो उसी को लेके था कि लड़की यहाँ से गई है, तो इनको दिन में भी इनसे बात की गई थी। अब पुनः अभी समझाया गया है तो अब मान गई है और हमारी टीमें लगी हैं, जल्दी बरामदगी कर लेंगे। जल्दी ही कर लेंगे हम लोग, बहुत जल्दी होगा, बरामद कर लेंगे। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।